उत्तर प्रदेश ने राजनीतिक भूले बहुत किए, राजनीतिक भूले इस तरह से हमने भी किया है। हमारे भी लोग, हमारे परिवार के लोग भी उप मतदाता है, वो इस तरह से हमने ऐसे लोगों को वोट दिया, ऐसे लोगों को चुन करके विधानसभा में और सरकार में बैठाया जो जनता की नहीं खाली अपनी सोचते थे, खाली अपनी सोचते अपने कुंबे की, और उससे भी आगे निकले तो खाली अपने कुंबे की सोचते, उससे भी आगे निकले तो दो तीन जिलों की सोचते। मैं एक बार अपने गांव में एक भाई से पूछा कि आजकल तो आप लोगों का अच्छा चल रहा है, पिछली सरकार की बात है, हमारे भाजपा के पहले की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। कहा, क्या भाई साहब, हम तो जो पहले थे तभी वैसे ही आज भी है, हमारा तो कुछ नहीं, कोई भला नहीं हुआ। हमने कहा नहीं, आजकल तो सुना है बड़ी नौकरियां मिल जा रही हैं कुछ खास लोगों को। तो कहे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो तो खाली दो तीन जिले में ही हो रहा है, जो हो रहा है वही हो रहा है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रदेश देखता रह गया, अपनी भलाई देखता रह गया, अपने आपके ऊपर, हमारे ऊपर सरकार का कब कृपा दृष्टि होगी, कब हमारे हमारे सुखों की बरसात होगी, ये हम तरसते रह गए। मित्रों, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, और हम आप उसी नौकरी के लिए, उसी दवाखाने के लिए, उसी स्कूल के लिए, उसी स्टेडियम के लिए हम तरसते रह गए। अब वो गलती हमें फिर से नहीं करनी। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसका झंडा यहाँ लगा रहा है, जिसके अनेकों सैकड़ों हजारों झंडे यहाँ लगाए गए हैं। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है जिसके हम छोटे कार्यकर्ता हैं, जिसके आप सब सैकड़ों हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जिसके प्रशंसक यहाँ खड़े हुए हैं। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है मित्रों, जो हमारे साथ न्याय करती, एक सामान्य आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ, बिना जात पूछे हुए, बिना पात पूछे हुए जो न्याय करती। और इसलिए मैं आपको एक और काम देकर के यहाँ से जाना चाहता हूँ। हमारे एक युवा कार्यकर्ता ने, जब मैं चलने लगा तो विशेष उसने ये काम हमको दिया। तो देखिए, हमें उस युवा कार्यकर्ता का आदेश मानना मेरा कर्तव्य है। वह बहुत हमसे 40 साल छोटा युवा कार्यकर्ता, ये कहीं होगा भी गौरव, वो उसने कहा कि उसने जो लिख के दिया वही मैं पढ़ देता हूं। चाचा जी, मंच से अपने संबोधन में भाजपा की सदस्यता के बारे में भी बोल दीजिएगा। और मैंने कहा हाँ, ये बड़ा अच्छा काम तुमने याद दिलाया। तो मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की रैली है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी है। आप वहां में बैठा हुआ व्यक्ति, बटेश्वर के नजदीक बटेश्वर भगवान में बैठा हुआ व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य न हो, ये कभी चल सकता है? बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए आप प्रण कीजिए, यहाँ बैठे हुए सारे लाखों के लाखों लोग आज ही भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, उनको मेरा अभिनंदन है। लेकिन जो लोग सदस्य नहीं है, यहाँ बैठे हुए लाखों लोग, आज ही एक नंबर में दे रहा हूँ, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक मिस कॉल करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। वो नंबर पे मिस कॉल करके आज ही आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कीजिए, ऐसा मेरा आग्रह है। ये हमारे सुग्रीव जी को आपका आशीर्वाद होगा, आपका वो होगा। मैं चाहूंगा कि इस देश में पहली बार दो और बड़ी, बहुत बड़े काम हो रहे हैं मित्रों। एक तो आपके बगल में नजदीक में आपके आगरा में भी एयरपोर्ट शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ जेवर एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है। आपके यहाँ पैदा हुआ आलू, कोरोना में एक फायदा हुआ किसानों को, वो ये कि अपनी जो कृषि की पैदाश थी, जो हमारी फसल है, हमारा जो अदरक है, हमारा जो आलू है, हमारा जो टमाटर है, उसकी पूरी दुनिया में मांग होने लगी। लोगों को ये लगता है कि भारत का आलू, भारत की सब्जी, भारत का फूल, ये बिना खाद के पकाया हुआ है, बिना केमिकल के पकाया हुआ है, बहुत शुद्ध है, इसलिए भारत का कृषि पैदाश, कृषि उत्पादन खाना चाहिए। तो इसलिए आपको एक इतना बड़ा अवसर
ये जेवर एयरपोर्ट के चलते उपलब्ध हो रहा है कि आप यहाँ पैदा किया हुआ आलू, यहाँ पैदा किया हुआ टमाटर, यहाँ पैदा किया हुआ गुलाब आप तुरंत घंटों घंटों में यहाँ से मलेशिया, सिंगापुर और लंदन और अमेरिका भेज सकते हैं। ये जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के चलते आपको बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ी सुविधा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उपलब्ध करा दिया। दुनिया का आप लोगों ने यूरोप देखा होगा, अभी जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा, तो लोग संसद में इस लोग यूरोप की धरती पर सुन रहे हैं कैसा वातावरण पूरी दुनिया का बन गया है। एक तरफ कहते थे यहां के नेता कहते थे हिंदू मत को ना कह दो, हमारा स्वीकार है हिंदू। धन्यवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।